सो आज मैं आ गया हूँ बहुत सारी अपडेट्स के साथ, जिसमें होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज 3, फैंटास्टिक 4, शी हल्क, डेयरडेविल बोर्न अगेन, डेडपूल 3 और सुपरमैन से लेके बहुत ही ज्यादा अपडेट्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी के रिगार्डिंग भी बहुत सारी अपडेट्स आ रही है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो इनकर्जन्स हुए थे और उसका जो मेन कल्प्रिट था वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को कह दिया गया था। आपने अगर लास्ट मूवी देखी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उसके पास आकर बोलती है कि उसके कारण जो है इनकर्जन का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इन सबको रोकने के लिए उसको डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प चाहिए। उसके बाद वो डायरेक्ट डायमेंशन का डोर ओपन करते हैं और उसके अंदर आ जाते हैं। जो ये मूवी आने वाली है इसे ही कंटिन्यू करने वाली है, जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज में हम देखने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की काउंसिल को। जो लोग मल्टी पे नजर बनाए रखते हैं लाइक TVA, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है ब्लैक प्रिस्ट। इसके अंदर बहुत सारे सोर्सरर्स सुप्रीम होते हैं और जो डॉक्टर स्ट्रेंज के इनकर्जन का खतरा है वो उसके बारे में उसको आगाह करते हैं कि आगे क्या होने वाला है और उसको कैसे रोक सकता है। जो मूवी है ये सीक्रेट वॉर से पहले आने वाली है और ये भी न्यूज आ रही है कि क्या पता डॉक्टर स्ट्रेंज सीक्रेट वॉर के अंदर ना हो। फैंटास्टिक 4 से भी अपडेट आ रही है कि आपको पता होगा कि ये अगले साल रिलीज होने वाली है, तो इसकी शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी अगस्त के अंदर। और इस मूवी में होने वाले हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो कि सुजैन और रीड रिचर्ड के बेटे होते हैं। रीड रिचर्ड से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और पावरफुल होते हैं, और सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि वो कैसे सुपर हीरोज को बचाते हैं। इसके साथ मॉलिक्यूल मैन की भी एंट्री करवाई जा सकती है इसके अंदर, क्योंकि आगे जाके मॉलिक्यूल मैन भी सीक्रेट वॉर में हमको दिखाए जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो इस मूवी में इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। इसके साथ जो गैलेक्टस है उसकी कास्टिंग के लिए अप्रोच किया जा रहा है टॉम क्रूज को। ये समझ रहे हैं टॉम क्रूज को हम देख सकते हैं एज गैलेक्टस इन द फैंटास्टिक 4। साथ ही उनके जो हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस होते हैं जो हम सिल्वर सर्फर कहते हैं, तो उसमें हमको एक लेडी सिल्वर सर्फर दिख सकती है, उसकी भी कास्टिंग के लिए अभी अप्रोच किया जा रहा है, वो मैं आपको कंफर्मेशन के बाद बता दूंगा। हल्क अब हमारे को मोस्ट प्रोबेबली मार्वल में नहीं दिखने वाले हैं बिकॉज ऑफ द बजट यूज्ड फॉर द हल्क, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्वल वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा बजट यूज होता है हल्क करेक्टर को दिखाने के लिए। तो इसी के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारा शी हल्क का सीजन 2 आएगा उसमें उनकी फाइनल अपीयरेंस होगी और उसके बाद उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। और उसका बेटा जो हमने शी हल्क के अंदर देखा था जिसका नाम है हल्क लिंग, उनको है ये मेन कैरेक्टर दिखाएंगे इन द फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। ये सैड अपडेट है, और क्योंकि इन्होंने प्रॉपरली हल्क का यूज़ भी नहीं किया है, क्योंकि अगर आप हल्क को कॉमिक्स के अंदर देखते हैं तो वो एक अलग ही तरह का प्राणी है भाई, उनका बहुत ही दबदबा है कॉमिक्स के अंदर, पर इन्होंने उनका पूरा पोटेंशियल यूज़ ही नहीं किया। और डेयरडेविल बोर्न अगेन से भी बहुत सारी अपडेट्स आ रही है कि इसका रीशूट होने वाला है और इस मूवी को वो PG-13 दिखाना आ जाते हैं, क्योंकि हुआ क्या था कि एको के रिलीज के बाद उसको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि इसको वो PG-13 में कन्वर्ट कर दे ताकि वो ज़्यादा ऑडियंस को गैदर कर पाए और वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं डेयरडेविल के अंदर। सुपरमैन लेगेसी मूवी से भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि इसके अंदर सुपरमैन के 2 कैरेक्टर होने वाले हैं, जिसमें जो दूसरा कैरेक्टर होगा वो इनका मेन विलन होगा जिसका नाम होने वाला है बिजार्ड, और इसके पास सुपरमैन के सारे पावर्स होते हैं। साथ ही साथ को बनाया था जोकर ने, जिसके पास रियलिटी को अल्टर करने की पावर आ गई थी। साथ जो बिजार्ड को सुपरमैन से पावरफुल बनाती है वो ये चीज है कि उसको क्रिप्टोनाइट से कोई असर नहीं होता है, वो इस चीज से इम्यून होता है। तो मूवी में अगर डबल रोल हो जाएंगे तो भाई मजा बहुत ही ज्यादा आने वाला है इसके लिए, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, वी नीड योर सपोर्ट। अगर आप ऐसे सपोर्ट करेंगे तो रोज एक ना एक न्यू वीडियो जरूर लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।